नमस्कार, मैं गजेंद्र विश्वकर्मा। हमारे चैनल के भी गजेंद्र को देखने के लिए और झारखंड के तमाम खबरों की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल के भी गजेंद्र को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भारत ने गलती से पाकिस्तानी सीमा में छोड़ दी थी ब्रह्मस मिसाइल, अब इंडियन एयरफोर्स ने 3 अधिकारियों के खिलाफ लिया एक्शन। पाकिस्तान में ब्रह्मस मिसाइल गिरने के सिलसिले में मंगलवार को भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। केंद्र सरकार ने तीनों अधिकारियों पर एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया है। गिरिडीह में जल जीवन मिशन के तहत जिन गांव में हर घर जल की व्यवस्था हो चुकी है उनका सत्यापन कराकर ऐप में अपलोड किया जाना है। इसके अलावा जिला से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। मामले को लेकर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए नोडल समिति का गठन किया है। कपिलों के मुखिया व धनवार प्रमुख को मिला प्रशस्ति पत्र। बिरनी गिरिडीह चंडीगढ़ में चल रही 2 दिवसीय आत्मनिर्भर पंचायत कार्यशाला मंगलवार को समाप्त हुई। कार्यशाला में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री बीनी महाजन व पंजाब के ग्रामीण विकास मंत्री कुलदीप सिंह ढालीवाल, केंद्रीय पंचायती राज के संयुक्त सचिव रेखा यादव ने कपिलों के मुखिया मुकेश यादव व धनवार प्रमुख गौतम सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गिरिडीह के गांडे कोयरीडी में आम बगान स्थित सुनसान स्थान पर एक शव मिला है। शव 4-5 दिन पुराना है। शव की पहचान इरकिया गांव निवासी बलेश्वर फांसी 55 के रूप में हुई है। सूचना पर गांडे थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे। शव में कीड़े लग गए थे और बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। गाय चराने वालों ने शव को पेड़ के पास देखा था। शव पीठ के बल पड़ा हुआ था। शव के गले व कमर में गमछा का टुकड़ा बांधा था, जबकि उसी गमछे का एक टुकड़ा आम के पेड़ से लटका हुआ था। आप रक्तदान कर बन सकते हैं गर्व और सम्मान के पात्र। गिरिडीह के डीसी कार्यालय सभा कक्ष में मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें करीब 100 पदाधिकारियों व कर्मियों ने रक्तदान किया। सबसे पहले उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने रक्तदान का शिविर का शुरुआत किया। धरना देकर किया स्कूलों से उर्दू शब्द हटाने का विरोध। गिरिडीह राज्य सरकार की ओर से गैर उर्दू सरकारी विद्यालयों में अंकित उर्दू शब्द हटा दिए जाने के खिलाफ गिरिडीह के तेलोडी में मंगलवार को सोशल वेलफेयर कमेटी के पदाधिकारी व सदस्यों ने धरना दिया। जिब्राल अंसारी ने आरोप लगाया कि राज्य की हेमंत सरकार उर्दू के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है। उर्दू स्कूलों में उर्दू की किताब नहीं दी जा रही है। 8वीं बोर्ड से उर्दू के मुख्य विषय को हटा दिया गया है। इसके लिए कमेटी के लोग एक वर्ष से मंत्रियों व विधायकों के दर पर भटक रहे हैं। हाथियों का झुंड एक बार फिर गिरिडीह के पेटान पहुंच गया है। सोमवार की रात टुंडी की ओर से आए 5 हाथियों ने सीमर कोड़ी पंचायत के घांगराबारी में 3 लोगों के फसल को नष्ट कर दिया है। हाथी बगल के जंगल में डेरा डाले हुए हैं। ग्रामीण सहमे हुए हैं। गांव के मुन्ना स्वर ने बताया कि अभी बारी में मकई की फसल लहलहा रही है। फसल तैयार होने के अंतिम समय में हाथियों ने नष्ट कर दिया। इससे हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। जगन्नाथपुर पंचायत के दुर्डिता गांव निवासी निजाम जेराय उम्र लगभग 25 वर्ष की ट्रैक्टर से दब जाने की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। घटना जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के कलैया गांव में भरतलाल तिरिया के खेत में ट्रैक्टर से कृषि कार्य करने के दौरान घटी। जगन्नाथपुरी पुलिस की घटना जानकारी मंगलवार सुबह को मिली, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पहुंच पर शव को कब्जा में लेकर पंचनामा के बाद सदर अस्पताल चाईबासा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टोमेटो फ्लू पर राज्यों की जारी की एडवाइजरी। अब तक मिल चुके हैं 100 से अधिक मामले। टोमेटो फ्लू केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और हरियाणा में 100 से अधिक मामले सामने आने के बाद राज्यों को टोमेटो फ्लू पर एक एडवाइजरी जारी की है। इसे हाथ पैर और मुंह की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है।
आयकर विभाग ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के विरुद्ध काला धन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है। उन पर दो स्विस बैंक खाते में जमा 814 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित धनराशि पर 420 करोड़ रुपये की जानबूझकर चोरी का आरोप लगाया गया है। गिरिडीह के बगोदर में बहुजन क्रांति मोर्चा व राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन ने राजस्थान में छात्र इंद्र कुमार मेघवाल के हत्यारे को फांसी देने व बिल किस बानो के बलात्कारियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ मंगलवार को प्रतिवाद मार्च निकाला। मार्च बगोदर स्टेडियम से निकलकर बाजार भ्रमण कर बस पड़ाव पहुंचा। यहां नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है। वक्ताओं ने दोनों घटनाओं को अमानवीय बताया और कहा कि आधुनिक भारत को शर्मसार कर देने वाली यह घटना है। गिरिडीह में स्कूल से घर या घर से स्कूल व ट्यूशन जाने के क्रम में स्कूली छात्रा को परेशान करने वाले एक युवक को मोहल्ले के लोगों ने मंगलवार को सर्कस मैदान में धर दबोचा। आरोपित मंजर अंसारी पचम्बा थाना क्षेत्र के पेसरा बहियार 6 नंबर का रहने वाला है। मोहल्ले के लोगों ने पहले उसकी धुनाई की, इसके बाद नगर थाने को पुलिस को सौंप दिया। भारतीय मूल का एक 62 वर्षीय अमेरिकी नागरिक 6 दिन तक उत्तर काशी के डोड़ीताल ट्रैक पर जंगल में भटकता रहा। इस दौरान 3 दिन तक उसने अपनी यूरिन से प्यास बुझाई। बाद में SDRF टीम ने उसका रेस्क्यू किया। आज भी होगा वर्षा, रहे सावधान, गर्जन के साथ वज्रपात की भी चेतावनी। पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश का कहर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर मौसम विभाग ने जारी किया है भारी वर्षा की चेतावनी दी है। ऐसे में स्वर्णरेखा और खरकी नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की धड़कनें बढ़ गई है।